तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के 5 नए अपकमिंग फीचर के बारे में बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही कमाल के फीचर है और बहुत ही यूजफुल फीचर है, जिनका बहुत टाइम से इंतजार था। तो आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो फीचर है वो है कैप्ट मैसेज का, या फिर बोल सकते हैं कीप मैसेज का। ये क्या फीचर है दोस्तों? ये फीचर ये है, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे क्या होता है, एक डिसअपीयरिंग मैसेज वाला ऑप्शन भी आता है कि वहां पर अगर आपने 1 आवर और 24 आवर्स, 7 डेज, 1 डेज या 2 डेज जो भी आपने लगा के रखा है डिसअपीयरिंग मैसेज में, और उससे टाइम बाद वो मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, ना आपके पास रहता है ना दूसरे जिन सेट से आप कर रहे हैं किसी के पास नहीं रहता, वो सेव नहीं होता है। और या फिर एक चीज होती है, लोग मैसेज भेजने के बाद डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं तो भी मैसेज डिलीट हो जाता है। तो ये बहुत ही काम का फीचर है, जैसा कि मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा के दिखा रहा हूँ। इस मैसेज का काम क्या है या क्या करेगा, आपको पर्टिकुलर मैसेज पर क्लिक करके उसको वहां पर कैप मैसेज का एक ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। अब क्या हो जाएगा, ये मैसेज सेव हो गया, चाहे आपने डिसअपीयरिंग मैसेज लगा के रखा हो 24 आवर्स बाद तो भी वो डिलीट नहीं होगा, और अगर आपने कोई डिलीट फॉर एवरीवन करेगा तो भी आपके पास से डिलीट नहीं होने वाला, जब तक डिलीट नहीं होगा जब तक आप उसको अनकैप्ड नहीं करेंगे। तो ये फीचर भी बहुत ही यूजफुल है, बहुत जल्द ये आने वाला है। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो फीचर बताने वाला हूं वो है ट्रांसफर को लेके, डेटा ट्रांसफर को लेके, आप हो सकते हैं चैट ट्रांसफर को लेके। दोस्तों आज के डेट में आपको पता होगा कि अगर अपना चैट को ट्रांसफर करना है तो पहले आपको अपने मोबाइल को जो आपकी चैट है उसको गूगल ड्राइव में डालना पड़ता था, फिर गूगल ड्राइव के थ्रू आप दूसरे मोबाइल में डालते थे, जिससे क्या होता था बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी थी, और अगर मान लो आपके पास 2-4-5 GB का डेटा है तो आपकी तो लग जाती थी क्योंकि डेटा ट्रांसफर होने में बहुत टाइम लग जाता था। बट ये बहुत यूजफुल फीचर है। ये क्या होगा, आपको दो मोबाइल को आपस में कनेक्ट करना है, चाहे वाईफाई चाहे ब्लूटूथ या एक स्कैनर वाला ऑप्शन वहां पर दिया जाएगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एक मोबाइल से स्कैनर का डिवाइस आएगी, बारकोड आएगा, दूसरे मोबाइल पे आपको उसको स्कैन करना है और उसके थ्रू आप अपनी चैट को ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही इजीली, बहुत ही सिंपल वे में, चाहे कितना भी जीबी का डेटा हो। तो ये भी बहुत यूजफुल है, आज के डेट में हर कोई अपना मोबाइल चेंज करता रहता है पर चैट को मिस नहीं करना चाहता, तो इस चीज के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कमाल का है मेरे दोस्त। तो थर्ड फीचर बताने वाला हूं वो भी बहुत ही यूजफुल फीचर है, वो फीचर ये है दोस्तों, आज की डेट में आपको पता होगा बहुत सारे फेक मैसेजेस, बहुत सारे लोग फेक मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं या बहुत सारे इरिटेट करते हैं व्हाट्सएप को लेके, और कुछ लोग तो आजकल आपको पता होगा कुछ फ्रॉड्स भी चल रहा है, व्हाट्सएप पे कॉल आता है, वीडियो आती है और स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया जाता है। तो इस सब चीज से बचने के लिए व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च किया गया है, शॉर्टकट ब्लॉक करके। आपके पास व्हाट्सएप भी अगर कोई मैसेज आएगा, आप देख रहे होंगे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, तो ऊपर ही नोटिफिकेशन में आ जाएगा ये नया, आपको वहीं ब्लॉक का ऑप्शन आ जाएगा। आपको लगता है ये अननोन मैसेज या अननोन नंबर से जो मेरे पास मैसेज आया है ये सही नहीं है या मुझे कुछ लग रहा है, तो आप उसको तुरंत ही इंस्टेंट ब्लॉक कर दीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं, अंदर जाने की जरूरत भी नहीं रहेगी व्हाट्सएप के अंदर, आप अपने नॉर्मल स्क्रीन पे या नोटिफिकेशन से ही आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर सकते हैं किसी को। ये फीचर भी बहुत शानदार दिया गया है। तो दोस्तों जो फोर्थ फीचर बताने वाला हूं वो भी बहुत यूजफुल है। दोस्तों होता क्या था, अगर हमें व्हाट्सएप पे किसी को कोई फोटो भेजना है या ओरिजिनल क्वालिटी में किसी भी फोटो को अच्छी क्वालिटी में भेजना हो, तो हम क्या करते थे, डॉक्यूमेंट्स में जाके उसको भेजते थे, जो कि बहुत ही लंबी प्रोसेस होती थी। अब ये बहुत जल्दी है अच्छा एक ऑप्शन आने वाला है, अब आप व्हाट्सएप पे फोटो की क्वालिटी को अच्छा, मतलब जैसा ओरिजिनल क्वालिटी में आप फोटो को वहां पर सेंड कर पाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं आप वहां सेंड करेंगे, आपको एक सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप फोटो क्वालिटी को ओरिजिनल करके वहां पर सेंड आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कमाल का फीचर है दोस्तों। एंड देन लास्ट वन बताने वाला हूँ दोस्तों, जिसका नाम है, उस फीचर का नाम है व्हाट्सअप का जो लास्ट फाइव फीचर है वो है वॉइस स्टेटस करके। फिलहाल ये बीटा टेस्टर के लिए, बीटा यूजर के लिए रोल आउट भी हो चुका है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ये क्या काम करता है दोस्तों, ये क्या करता है, अगर आप अपने मोबाइल पे या बोल सकते हैं अपने व्हाट्सअप पे वॉइस स्टेटस भी डाल सकते हैं, जो कि बहुत यूजफुल है। हम पहले फोटो और वीडियो डाल सकते थे, अब आप वॉइस स्टेटस भी वहां पर डाल सकते हैं। तो यही 5 नए फीचर लॉन्च किए गए थे, या बोल सकते हैं 5 नए फीचर आने वाले टाइम पे लॉन्च होने वाले हैं व्हाट्सअप पे। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी नई अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना इसमें से 5 में से आपको सबसे अच्छा फीचर व्हाट्सएप का कौन सा लगा। यहां तक आपने मेरी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।